बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद बाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट, और आज जो मैं रेसिपी लेकर आया हूँ वो आलू का पुलाव है। आलू का पुलाव कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। आलू का पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है, बड़े सादे तरीके से आज हम बनाने जा रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आग मैंने जला लिया है, चूल्हे पे पतीला चढ़ा लेते हैं। चार चम्मच ऑयल शामिल कर लेंगे। प्याज है मेरे पास बारीक कटे हुए, ये शामिल कर लेंगे। प्याज को सुनहरा होने तक पका लेंगे। होना शुरू हो चुके हैं, इन्हें मुकम्मल गोल्डन कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। प्याज को मुकम्मल गोल्डन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं, एक डेढ़ मिनट की कसर रह गई है, थोड़ा सा इन्हें भून लेंगे। और प्याज हमारे मुकम्मल तौर पर भून चुके हैं, अब इस मौके पे मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, दो तीन चम्मच है, मैं ये शामिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा मिकदार में चावल बना रहा हूँ। थोड़ा सा भून लेंगे। तीन चार टमाटर हैं मेरे पास बारीक कटे हुए, इस मौके पे ये शामिल कर लेंगे। बस बारीक हरी मिर्ची है मेरे पास बारीक कटी हुई, ये शामिल कर लेंगे। टमाटर का पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट तैयार हो चुका है, अब इस मौके पे मेरे पास खड़े मसाले हैं कुछ, साबुत ज़ीरा है, काली मिर्च है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, तेज़पत्ता है और लौंग है, ये शामिल कर लेंगे। दो तीन मिनट के लिए भूनते हुए इसे पका लेंगे। दो बड़े चम्मच नमक के शामिल कर लेंगे, बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ तो और शामिल कर लेंगे। दो चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे, मसाला हमारा मुकम्मल तौर पर भून चुका है। मसाला हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है, अब इस मौके पे मेरे पास एक किलो के करीब आलू हैं, ये मोटे मोटे काटे हुए हैं, ये शामिल कर लेंगे।
थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे ताकि आलू हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। दो तीन मिनट के लिए ऊपर से बंद कर देंगे ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। पकाते हुए तीन मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन उतार लेते हैं, चेक कर लेते हैं आलू हमारे गले हैं कि नहीं। पानी जो हमने शामिल किया था वो खुश्क हो गया है। मैंने पुलाव में हल्दी शामिल नहीं की, अगर आप चाहें तो हल्दी शामिल कर सकते हैं। तौर पर गल चुके हैं ये वाले तीन मग्गे मेरे पास चावल हैं, ये वाले पांच मग्गे में पानी शामिल कर रहा हूँ। लेने के बाद एक चम्मच पीसा हुआ गरम मसाला शामिल कर लेंगे। दो तीन लीमू का रस है ये शामिल कर लेंगे। ऊपर से बंद कर देंगे, पानी में बॉयल आने देंगे, चम्मच को बाहर निकाल देंगे। पानी में बॉयल शुरू हो गया है। अब इस मौके पे चावल है मेरे पास, मैंने अच्छे तरीके से वाश कर लिया है, ये शामिल कर लेंगे। आग को इस मौके पे तेज कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए ऊपर से बंद कर लेंगे। अब ढक्कन उतार लेते हैं, हल्के हाथों से चम्मच को हिला लेंगे ताकि नीचे से लग ना जाए। जब चावल शामिल कर लें तो आग को तेज़ कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नमक चेक कर लेते हैं, नमक माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब इस मौके पे चावलों को हम दम पे लगाने लगे हैं, बराबर कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे दम पे लगाने लगे हैं, 15 मिनट बाद खोल लेंगे। माशाल्लाह चावल हमारे कितने प्यारे बने हैं, माशाल्लाह। ये देखिए, इन्हें मिक्स कर लेते हैं, एक बर्तन में डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह
माशाल्लाह देखें कितने प्यारे बने हैं, ये देखें माशाल्लाह देखें फाइनल लुक देखें माशाल्लाह कितने प्यारे बने हैं चावल। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए, मोहम्मद बाकर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।